गुड मॉर्निंग गाइस, बेसिकली हम जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन। मम्मी जा रही है पुणे, तो छोड़ने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन कर देंगे टूर आपको। फाइनली हमारी बात सुनी गई, हमारा न्यूज़ फाइनली सुन सुन। देखो खड्डे भरी रहे हैं, ये देखो ट्रैक्टर चल रहा है, देखो देख रहे हो कैसे डाल रहा है वो भाई, ये हीरो ही डाल रहा है, डाल दिया। जाम हो रहा है, मेरे रेल निकल जाएगी, फटाफट चलो। अभी रोड नहीं सही है, जयपुर की बहुत गंदी रोड है, क्या करने का है भगवान। ब्रिज का काम चालू हुआ, थैंक यू राजस्थान सरकार, फाइनली मतलब 250 साल बाद इस ब्रिज का काम चालू हुआ है। ये छोटी सी मेट्रो है, छोटू सु दो स्टेशन की मेट्रो है, और ये बजट पूरा है, मतलब पहली विषय है, बहुत धीरे भी चल रही है, छोटी सी मेट्रो है। दिखाएंगे आगे आने वाले वीडियो में आपको मेट्रो की भी जर्नी दिखाएंगे, और बस जुड़ी रहिए। अब हम पहुंच गए हैं, ट्रेन लगी हुई है, टाइम लगा पर पहुंच गए। कर्टन्स वगैरह सब आ गए हैं, हर एक चीज हो चुका है, मतलब ब्लैंकेट वगैरह सब देना स्टार्ट। गाइस स्टेशन मम्मी को छोड़ दिया है, अब यहाँ से निकलने की बारी, बाहर इतनी धूप है ना, अगर कोई ये गाड़ी ले रहा है तो ठीक है, बढ़िया बात है। लोपन इसका जो मैप है, एक बार मैप पे जूम करना, ये जो मैप है ये कोरियन मैप है, बेसिकली गूगल मैप नहीं है, तो ये भाई साहब बहुत ही घुमा देता है, इसको पता भी नहीं कौन क्या, पूरा कोरियन मैप है, कोरिया की कंपनी है किया कोरियन मैप है, तो ये मैप के थ्रू तो कभी चलना ही मत भाई साहब, गूगल मैप लगा लेना। बजा रहे हैं फुर सीटियां बजा रहे हैं, आप यूट्यूब पे मुस्कुराइए भैया, नवरात्रि का टाइम चल रहा है भैया, यहाँ पे मंडप तो है नहीं। हमारे पुणे में तो बेसिकली क्या होता है कि गली चौराहे नुक्कड़ हर जगह पे मंडप होते हैं, जैसे गणपति में होता है वैसे यहाँ पे कुछ सीन नहीं लग रहा है ऐसा। जो चीज भी लेना हो आप ले सकते हैं, बस यहाँ आ जाइए और पूरा दिन ही स्पेंड कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा आपको। यह है चांदपोल की चौथी मीनार, इसके लिए बोलते इसको चांदपोल। पार्किंग वगैरह पीछे छोड़िए, एक पार्किंग आ गए, अच्छा क्या है कोई गाइड वगैरह नहीं है, रिक्शा होता है, रिक्शा में घुमाते, 200 रुपए लेते हैं, सिटी पहले जंतर मंतर, हवा महल, वेस्ट म्यूजियम, गाड़ी कहाँ लगाओगे, गाड़ी पार्किंग फ्री करवा देंगे आपको। चलो फिर चलो, हम जा रहे हैं भैया अभी टुक-टुक में बैठ के। ये भैया है 200 रुपए लेते हैं, हवा मिल के बाहर ही मिल जाते हैं, आपको अपडेट करते हैं जंतर मंतर जाके। ये कुछ ऐसा सीन है भाई साहब यहाँ का, ये कुछ घड़ी टाइप लग रही है पुराने जमाने की, वो फोटो सेशन चल रहा है लोगों का यहाँ पे, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शूट चल रहे हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह आए हुए हैं सब आज, अंदर एंट्री फीस फ्री है, वैसे 50 रुपये एंट्री फीस है इसकी, आज फ्री है। ये फोल घड़ी यंत्र, ये भाई मैं तो ऐसे रेंडमली घर से निकला था, देख रहे हो आज जो है वर्ल्ड टूर डे है, तो सब जगह आज एंट्री फ्री है। तो ये है घड़ी, इससे पता चलता है ये पहले महाराजा यूज करते थे, और एक और घड़ी है वहाँ पे, तो समझा रहे गाइड भैया।
सकते हैं, पेंटिंग वगैरह मिलती है। बुक वगैरह, ड्रेसेस और जयपुर की कल्चर, यहाँ की आर्ट्स बहुत ही सुंदर है। वाओ, मुझे बुक्स का बहुत शौक है उसके लिए। आप कहाँ जा रहे भैया? तो भैया जा रहे हैं अब इनके ऊपर, 50 रुपये एंट्री थी, आज ये भी फ्री है। यहाँ से पूरा पिंक सिटी दिखता है, दिखाते हैं आपको जाके। ओ भाई साहब, इसके अंदर जाने का एंट्रेंस इतना सुंदर है ना, और यहाँ पे से खिड़की दी हुई है छोटी छोटी, अगर किसी को अस्थमा विस्थमा का प्रॉब्लम हो तो भैया अपनी व्यवस्था करके आए। अंदर गर्मी भी लगती है और चढ़ रहे हैं हम, और ऊपर टॉप पे जाना एकदम। चले जा रहे हैं भैया, काफी ऊपर है। हाँ, अभी तक भी पूरा एंड आया भी नहीं है, थक के बैठ चुके हैं, बहुत ऊपर है। ऐसे हेरिटेज साइड को भी गंदा कर देते हैं लोग, यहाँ पे गुड़ का हटा थोक दिया किसी को, ये ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है भैया, ये लिखना थूकना गंदगी फैलाना गलत है। देखो ऐसे थूकते हैं लोग, जो कि गलत है, थोकना नहीं, गंदा कर रहे हैं। भाई हवा महल, ये है हवा महल, यहाँ से ये एंट्रेंस है गेट का, हवा महल का दिखाते हैं। ये एंट्रेंस गेट है, देखो अंदर घुस रहे हैं हम लोग, अंदर अंदर का व्यू और बाहर का फ्रंट ये जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कठपुतलियों का शो चल रहा है, होता है यहाँ पे, यहाँ पे भी शायद कुछ है। ऐसा दिखता है अंदर से हवा महल। और ये यहाँ से देखिए छोटी सी खिड़की है, और यहाँ से पूरा बाहर का दिख रहा है। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जयपुर में क्या चल रहा है। बस जयपुर में गाड़ियाँ चल रही है, और ये सब फॉरेनर विनर खड़े हैं, ये सब पूरा माहौल है। यहाँ बाहर का व्यू बहुत ही आलिशान, ये पूरा हवा महल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार है। कड़क धूप है, हवा महल वगैरह देख लिया, जंतर महल मंतर महल देख लिया, और ये जो है गेट है बेसिकली जयपुर यातायात। तो भाई साहब बाहर से दिखता कुछ इस प्रकार, ये है बाहर से व्यू, ये बाहर से बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो रिक्शा वाले हैं ना भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल अलग लेवल के बंदे हैं भाई, छिपा के चलाते हैं गाड़ी, कुछ देखते नहीं, राइट लेफ्ट सीधा घुसा देते हैं, मतलब चिपक चिपक के चल रहे, कोई टच ना कर दे गाड़ी को भाई, इतना मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक भाई, नेक्स्ट लेवल। और ये रिक्शा वाले तो भाई पूछो मत, कहीं से भी आ रहे कैसे भी गाड़ी डाल दे भाई। मस्ती में पानी डोल रहे, खा रहे, पी रहे, अलग ही माहौल चल रहा है। पूरी पिंक सिटी दिखती है वहाँ से, उसके टॉप पे जाके आए हम, ये वही है, इसका एंट्रेंस उस साइड में है। एक छोटा सा कैफे है, कैफे में आए हैं, कॉफ़ी उठाते हैं, बस फिर चलते हैं घर पे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, घूमिए, तो लाइक करें, सपोर्ट करें।